नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर 12, AI Triplet 2009 में पूछा था, लेट ए बी ए टू क्रॉस टू मैट्रिक्स, स्टेटमेंट फर्स्ट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए एंड स्टेटमेंट सेकंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए, कौन सा ये करेक्ट है कि नहीं। ओके क्वेश्चंस नंबर 12 AI Triplet 2009 में पूछा था, हम एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट वैल्यू की अगर बात करें तो ये होता है, अगर जनरल पढ़े, जनरल अगर बात करें तो ये हो जाएगा ए की पावर एन माइनस वन, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू, और यहाँ पे एन टू क्रॉस टू का है तो एन की वैल्यू कितनी है टू, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू टू माइनस वन यानी कि वन, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड की अगर बात करें तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है करेक्ट है, एडजॉइंट का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट। ओके फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए, ये इस स्टेटमेंट की बात करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की बात करेंगे, ये जो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए अपने पास हो जाएगा एन माइनस टू इंटू ए, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इक्वल इंटू ए। ओके एन की वैल्यू यहाँ पे टू है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर टू माइनस टू जीरो इंटू ए, यानी कि ये आ जाएगा ए के इक्वल आ जाएगा, तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो भी क्या है करेक्ट है, बट एक दूसरे को दोनों एक्सप्लेन नहीं, जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो इसको सेकेंड है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू बट नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट।